हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, ये पौधा जो आपके सामने है वो एरिका पाम है। एरिका पाम की दो वैरायटी, एक जनरल वैरायटी है और एक ये हमारे पास बॉटल पाम, इसको कहते हैं दोस्तों, इसका बॉटल पाम कहते हैं। तो ये दोस्तों, अभी जब गर्मियां जब शुरू हो रही हैं तो इनके केयर और रख रखाव के बारे में एक रिमाइंडर देना ज़रूरी समझता हूँ अपना। साथ में कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट टिप विद रीज़न विद लॉजिक जो आपको कन्विंस करेगी इस पौधे को हम कैसे हरा भरा रखने वाले हैं इस गर्मी में। अभी ये दोस्तों पौधा सर्दी की कठिन दिनों को झेल करते आया है और अभी हमने इसकी दोस्तों जब हम फिर से केयर करने की तैयारी में हैं दोस्तों, तो उस तैयारी में हम क्या करने वाले हैं यही इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने चल रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मौसम जैसे ही बदला, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, आप देखें इन में पत्तियों में बदलाव आना शुरू हो गया, उसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो सबसे पहला जो काम हम करेंगे दोस्तों, ये तो जनरल वर्क है, ये हमको करना ही करना है, ये हम हमेशा ही करते हैं। और इस पहले हम इसको कट कर देंगे दोस्तों, हमको लग रहा है हाँ कट कर दिया। और दोस्तों इसी तरह से इसको भी हम कट करते हैं, इनका कोई काम ही नहीं दोस्तों, इन पत्तियों का कोई काम नहीं है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि अब हम महत्वपूर्ण काम क्या करने वाले हैं। दोस्तों ये एरिका पाम का पौधा बिलोंग कहाँ से करता है, ये कोकोनट फैमिली को बिलोंग करता है, ये कोकोनट फैमिली को बिलोंग करता है। दोस्तों जब ये कोकोनट फैमिली का बिलोंग करता है तो जैसे हम जिस परिवार में रहते हैं उसका स्वभाव, उसके संस्कार, उसका स्वाद, उसका हर चीज़ हमारे में रहता है, वही हम पसंद भी करते हैं, उसी तरह दोस्तों ये पौधों पर भी लागू होती है। तो नारियल पाए कहाँ जाते हैं दोस्तों, नारियल कोस्टल एरियाज में समुद्री किनारे पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं मानने में। अब दोस्तों हम समझते हैं क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ कि वहाँ की जो मिट्टी होती है नमक वाली होती है, उसमें एक नमक होता है। तो दोस्तों यहाँ की जो बॉटल पाम हम लगाए हैं या एरिका पाम ये जो लगाए हैं, इसकी भी मिट्टी ये फैम ट्यून करने के लिए, उस परिवार के स्वभाव से ट्यून करने के लिए इस पौधे की भी मिट्टी को हमें नमक वाला बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ जो उस परिवार का फैमिली का मेंबर है तो उसके साथ हमको ट्यून करना पड़ेगा। अब दोस्तों मुद्दा है कि हम जब इसको नमक वाला बनाएंगे तो नमक तो हमारे पास कई हैं, एक जनरल नमक जो हम लोग खाते हैं, एक सेंधा नमक जिसको हम लोग रॉक साल्ट भी कहते हैं, एक काला नमक भी होता है। दोस्तों इसको पूरा ढंग से समझने के लिए वीडियो पर आपको बने रहना होगा। वहाँ का जो पौधा है नारियल का समुद्री किनारे, वो कौन सा साल्ट लेता होगा, वो आसपास जो समुद्र के किनारे वही रहता है, वो अनरिफाइंड है, वो नेचुरल है, वो अनरिफाइंड है और वो नेचुरल है। यानी सेंधा नमक जो है होता है वो अनरिफाइंड है और वो नेचुरल है। हमारा जो जनरल नमक होता है वो क्या होता है, एक प्रोसेसिंग होती है उसकी, उसमें आयोडीन वगैरह मिलाया जाता है तब जाकर के हम तक पहुँचता है, यानी उसके स्वभाव में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो जब हमारे पास रॉक साल्ट है यानी सेंधा नमक है ये, तब हम क्यों ना इसको मिलाएं, उसको क्यों मिलाएं। तो कहने का मतलब दोस्तों, उसके परिवार की नारियल के स्वभाव को ट्यून करने के लिए इस पौधे से हमें सेंधा नमक ही मिलाना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको बताता चाहूँ। अब कितना मिलाना चाहिए महत्वपूर्ण ये है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है दोस्तों, एक कि पौधे की साइज क्या है, दूसरा कि हमारा पौधा लगा कहाँ है। दोस्तों जब गमले में पौधा लगा होता है निश्चित रूप से उसकी ज़रूरतें सीमित होती हैं, लेकिन अगर वो एक्सेस हो गया तो वो अपने को ट्यून नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर का जो भी हमने मिट्टी में डाल दिया वो जाएगा कहाँ, रहेगा तो ही तो पौधों को नुकसान करेगा। लेकिन जब यही पौधे जब गमले के बाहर होते हैं तो वो रेगुलेट हो जाते हैं, चीज़ें वो एक्सेस एब्जॉर्ब नहीं करते। नहीं तो ऐसा होता तो समुद्र के किनारे पेड़ सक्सेस ही नहीं होते, नमक ही नमक भरा है। तो ऐसे में दोस्तों
हमें बहुत एक नॉमिनल डोज इसकी देनी होती है। ये आप देख रहे होंगे ये बहुत छोटा चम्मच है, इस छोटे चम्मच को भी हम आधा चम्मच आधा कर सकते हैं या भर लेते हैं, तो पूरा मत भरिए, पूरा मत भरिए। और इसको दोस्तों हमने ये इसमें डाल दिया और पानी इसमें मिला दिया। दोस्तों ये जो 8-10 इंच के गमले होते हैं 12 इंच के तक, उनको इसको हम खूब अच्छी तरह से मिला दिया। उनमें दोस्तों इतना काफ़ी है, उसमें इसमें इतना काफ़ी है। और इसको डालने के बाद दोस्तों हमें ये देखना होगा कि हम तुरंत और पानी ना डालें, नहीं तो वो ड्रेनेज होके निकल जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम इस पौधे में भी उतना हम डाल दे रहे हैं। और एक चीज़ इसके साथ ये भी ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों कि हम कब कब डालें, यानी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो, कब कब डालें। दोस्तों गमले में मैंने बताया कि पौधे जब होते हैं तो उनकी ज़रूरतें बड़ी सीमित होती हैं। हमें क्वार्टरली यानी 3 महीने के बीच में एक बार काफ़ी है। ये अगर मार्च चल रहा है तो मार्च में दिया, अप्रैल गया, मई गया, अब हम इसमें ये चीज़ जून में ही सप्लीमेंट करेंगे और इतना ही करेंगे। तो ये जो जानकारी आपसे शेयर की दोस्तों पाम ऑयल पाम ट्री को मैनेज करने में विद लॉजिक विद रीजनिंग, ये आपको कन्विंस करेगी अपने पौधों को खूब हरा भरा बनाने में। और दोस्तों ये पौधा ऐसा है कि घर में एक दो पौधे से मज़ा आती ही नहीं है, मज़ा आती ही नहीं एक दो पौधे से। इसके लिए हमें ढेर सारे पौधे, कम से कम 7-8 अगर हमारे पास स्पेस है रखने को तो लगाने चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे पौधों की जो हरियाली है, ग्रीनरी है, जिसके लिए हम ये कर रहे हैं, वो काफ़ी दिखेगी। तो अब दोस्तों ये जब सर्दी बीत चुकी है, गर्मी आ चुकी है और सारे पौधों को ये सब के न्यूट्रिशन और फर्टिलाइज़र और सनलाइट, ब्राइट लाइट, जो भी सब हम लोग लगातार देख रहे हैं, वो सब करने के बाद आपको इस पौधे का हम अपडेट भी एक दिखाएंगे, इस पौधे का हम अपडेट भी दिखाएंगे महीना डेढ़ महीने के बाद, जब ये पौधा फुर से ढंग से अच्छी तरह से और घनी पत्तियों वाला हो जाएगा। सब्जेक्ट टू एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये पौधा अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखा तो वो पौधे को कोई बचा नहीं सकता। इस पौधे को आपको ब्राइट लाइट में ही रखना है, ताकि और डार्क में भी ना रखें, नहीं तो पत्तियाँ एकदम काली पड़ने लगती हैं, व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। ब्राइट लाइट में रखेंगे, हरा भरा रहेगा और पौधा ग्रो करता रहेगा। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और आप अपने पौधों को हरा भरा रखने में यूज करेंगे इस जानकारी को। थैंक यू।